अंकिता नहीं छूटी है क्या? नम्रता, विशाखा, भाग्यश्री, आवाज क्लियर है? जी मैम। अंकिता नहीं छूटी है मैम। कहाँ तक आए थे याद कीजिएगा। अंकिता जुड़ी हुई नहीं है तो कोई आप में से एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा बीच में से, जिससे वो बच्ची निकालती है, और हमें आपका अटेंडेंस दे दीजिएगा। जुड़ी है क्या अंकिता? हेलो मैम। हाँ ठीक है, आ गए आप। ओके, कहाँ तक आए थे हम याद कीजिए। कहाँ तक आए थे? आप में से कोई बताएगा कहाँ तक आए थे? हाँ जी, ये हुआ था। अरे यार क्या हो गया आपको, बहुत ज्यादा समय चला जाता है इसलिए भूल जाते हो क्या? हम लोग गदल कहानी को देख रहे थे, याद आ रहा है गदल कहानी कि भूल गए उसे भी? अरे सुन रहे हो? कहाँ तक आया था मैम? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हमारी आवाज क्लियर है बेटा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी ओर से देखिएगा। कितने लोगों को साउंड प्रॉब्लम? ओके मैम, आवाज गुप्ता पूरी शांता। शुभांगी, हाँ बताइए बेटा, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या आवाज को लेकर? नहीं टीचर, आवाज आ रही है। हाँ अब क्लियर है मैम। हाँ अंकिता बोलो, जल्दी से बोलो, समय नहीं है अपने पास, जल्दी जल्दी बोलो। सब लोग कहाँ तक आए थे? मूंछों का खिचड़ी हो जाना बताया था आपको, याद आ रहा है? डोडी याद आ रहा है आपको? गदल याद आ रही है? 50 साल का वह लंबा खारी गुजर है जिसकी मूंछे खिचड़ी हो गई है, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है। गदल अपने पति को खो चुकी है, गदल की बचपन में शादी कर दी गई थी, गदल के बेटे भी हैं, निहाल है, और गदल उन इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली जाती है। अरे कौन सी कहानी को देख रहे थे? अंकिता सामने आओ। अंकिता मैम मैं पिछले लेक्चर में लेट ज्वाइन हुई थी ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। कौन था स्टार्टिंग से लेकर? आप पे से कौन था बताओ जल्दी से, कितने लोग जुड़े हो, क्यों बात नहीं करना चाहते? बताइए जल्दी से, ऐसा थोड़ी चलेगा बेटा, कोई तो होगा एक आप में से। कहाँ तक आए थे? जब तक मुझे रियलाइज नहीं हो जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ध्यान में रखिएगा। बोलो जल्दी जल्दी बताइए। हाँ निशिगंधा जी बोलिए। बुलबुलाई जा जग असाई। हाँ जी, बुलबुलाई जग असाई से नहीं डरती देवर, ये भी हुआ था अपना। हाँ ये भी हुआ था, तो इसके आगे जाए। Yes, ma'am. हाँ बोलिए, कहाँ तक जाए बताइए। बोलो बोलो बोलो। मैम जो आपने 2 बजे का लेक्चर लगा था उसमें भी नहीं थी, मुझे तो सुबह का लेक्चर ये याद है। अच्छा ठीक है, अब हम लोग 2 बजे के लेक्चर्स को याद करेंगे कि उस लेक्चर्स को कौन कौन लोग थे, याद कीजिए कहाँ तक आए थे। जब तक बोलोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान में रखिएगा।
पूरी तासिका ऐसे ढूंढने ढूंढने में जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने लोग जुड़े हो? कोई नहीं जुड़ा था क्या उस दिन? निशिगंधा मैम मैं 2 बजे के लेक्चर में नहीं थी। मतलब ऐसा है कि आपका 2 बजे का लेक्चर फिर से एक बार लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं बता पाएगा, इसका क्या मतलब है? चलो जल्दी जल्दी बताओ। हे भगवान, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार लेते हैं दोस्तों। गदल और डोडी दोनों एक देवर और भाभी, लेकिन देवर भाभी का जो रिश्ता होता है वह एक अनोखा रिश्ता होता है दोस्तों, और उसी रिश्ते को पूरा करने के आप भरसक प्रयास डोडी यहाँ पर करता है। डोडी को ऐसा लगता है कि उसकी जो भाभी है उसके भरे पूरे परिवार को छोड़कर कहीं पर भी न जाए, लेकिन डोडी उसे हमेशा समझाने का प्रयास करता है। पर क्या गदल समझ पाती है? नहीं, गदल नहीं समझ पाती, और गदल कुछ बोलती भी नहीं है। डोडी कहता है, डोडी समझाता है कि एक न एक दिन सबको छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके सारे भतीजे भी चले गए, क्योंकि आपको पता है कि डोडी का एक भी बच्चा जीवित नहीं है, और उसके पश्चात भैया भी चला गया। पर तू जैसे गई ना वैसे कोई भी नहीं गया, जग हंसता है, तू जानती है। अब देखिए जिस प्रकार हमारी ये कहानी आगे बढ़ रही है, देवर और भाभी के इस रिश्तेदारी को, इस समझदारी को डोडी समझाना चाहता है, लेकिन गदल नहीं मानती है। गदल बुरबुराए, जग हंसाए से मैं नहीं डरती देवर, जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गाँव देख गया था, तो उसके साथ तेल पिया लट लेकर मुझे लाया ले आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे कसम की क्या जरूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वैसे हमें लोगों को लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है हमारे शरीर को, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर गदल कहानी के माध्यम से कहानीकार हमें सचेत करवा देता है कि आयु के बदलते ही, आयु के परिवर्तित होने के साथ साथ उस व्यक्ति को मानसिक तौर पर सहारे की आवश्यकता होती है, और उसी सहारे को निरंतर रूप से गदल ढूंढने का प्रयास कर रही थी। और वह कहता है कि उम्र ढल गई तो खसम की जरूरत नहीं है, ऐसा तुझे लगता है? मैं क्यों गई, किस लिए गई, तू जानता है? वो कहता है नहीं, तू तो बस यही सोच करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा, बहुए नहीं करेगी तेरी चाकरी। देखिए यहाँ पर उस वास्तविकता से भी परिचित करना चाहते हैं लेखक कि नारी का जन्म केवल चूल्हा चौकी करने के लिए हुआ है। यहाँ पर गदल उन सभी सीमाओं को लांघने का प्रयास करती है, क्योंकि उसे पता है कि जब वह रोटियों को सेकेगी नहीं तो उसका जो देवर है उस देवर को भी रोटियां नहीं मिल पाएगी। और वो कहती है, देवर तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा, बोल झूठ कहती हूँ? अब जिस प्रकार से अपने पति के मृत्यु के पश्चात अपने ही बेटों को यदि वह अपना बेटा मानता है, सब सहारा देने के लिए लोलुप हो जाता है, और जिस कारण वह उन्हें समझाता भी है कि भले ही मेरा भाई जीवित नहीं है, भाई जीवित न होने से कोई तात्पर्य नहीं, मैं उसका परम कर्तव्य जो है वो निभा पाऊंगा, और बस वो तो चला ही जाता है। उसके नाते वह चाकरी करने के लिए सारा कार्य कर लेता है। नहीं गदल, मैंने कब कहा, बस यही बात है देवर, अब मेरा यहाँ कौन है,
मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाए, पर जब मालिक ही न रहा तो काहे को हडकंप उठाओ, यह लड़के यह बहू है, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। ये वाक्य आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको आरसी के लिए पूछा जा सकता है, संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए इस पर सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। बस यही बात है देवर। अब मेरा यह कौन है, अब देखिएगा कि जब गले का मंगलसूत्र जीवित होता है, अपने सिंदूर को, अपने कपाल का सिंदूर जीवित होता है, तब तक उसके साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति का कर्म करने के लिए वह नारी लोलुप होती है। लेकिन जब सिंदूर ही नहीं रहा, सिंदूर ही उठ चढ़ गया, तो अब मेरा मर्द यदि मर गया तो जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, मतलब उसके अपनों के भी, जितने परिवार के लोग होते उतने सबके अपनों की चाकरी बजाए, पर जब मेरा मालिक ही नहीं रहा तो काहे को मैं हडकंप मचाऊं, ये लड़के ये बहुए मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। मैंने गुलामी कर ली जब तक मेरा सौभाग्य था, जब तक मेरा मर्द था, जब तक मेरे गले का मंगलसूत्र था, जब तक मुझे और मेरे परिवार की सौभाग्य की निशानी मेरे सौभाग्य के साथ जुड़ती थी, तब तक मैंने सबकी गुलामी की, सबकी चाकरी की, लेकिन अब मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। पर क्या ये सब तेरी औलाद नहीं है बावरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए सात घर उलट पिलट कर देती है, फिर तू मानुष है? देखिएगा कितनी बड़ी बात यहाँ पर देवर जी के माध्यम से होने जा रही है, डोड़ी के जरिए होने जा रही है। ये औलाद तेरी नहीं है बावरी, बिल्ली भी अपने बच्चों को बचाने के लिए सात घर उलट फेर कर देती है, और तू तो मनुष्य है, तो मनुष्य के नाते तुझे तेरे बच्चों की परवरिश करना, बहुओं के कारण बहुओं को संभालना, बहुओं के बच्चों की परवरिश करना, ये तेरा नितांत कर्म हो जाएगा। तेरी माया ममता कहाँ चली गई देवर, तेरी कहाँ चली गई थी, तूने फिर बयान किया? देखिएगा सवाल पर सवाल होते जा रहे, ये जो सवाल है ये दोनों देवर और भाभी के बीच के हैं, और देवर उसे समझाने का प्रयास कर रहा है कि तू इस प्रकार से अपने बच्चों को, अपने बहुओं को, अपने पोतों को छोड़कर नहीं जा सकती, ये तेरा धर्म नहीं है। अब तेरा धर्म क्या होना चाहिए, और इस बात को लेकर गदल जो है, गदल टोड़ी को सवाल कर रही है, और निरंतर करने वाले सवालों में एक सवाल करती है देवर, तेरी माया ममता। अब टोड़ी उसे पूछता है कि तेरी माया ममता कहाँ चली गई थी, तुरंत ही देवर कहता के देवर को वो कहती है, तेरी कहाँ चली गई थी, तूने फिर ब्याह न किया। मतलब तय है कि यहाँ पर गदल अपने टोड़ी से, देवर से प्यार करती है, देवर भी उसके साथ प्यार करता है, लेकिन एक दूसरे के शादी में बंधित नहीं हो पाते। यहाँ पर जो स्त्री की सीमाएं होती है, अधिकतर फैमिलीज में ऐसा पाया जाता है कि बड़े की मृत्यु के पश्चात छोटे की उस बच्ची के साथ शादी तय की जाती है। यदि जिसके घर में देवर जिंदा है, देवर जीवित है, उसका पति मृत्यु हो चुका है, तो उसके देवर के साथ उस बहू की शादी की जाती है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक मान मर्यादाओं का पालन करते हुए बहुरानी खुद होकर देवर के साथ रिश्ता बनाना चाहती है, लेकिन देवर सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहता, वो सामाजिक सीमाओं में बंधना चाहता है, और जिस कारण वह उसके साथ शादी नहीं करता, ब्याह नहीं करता। और अब इस समय में जब उसकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है और वो उसे छोड़कर दूसरे किसी लाहौर के घर पर, लोहार के घर पर चली जाती है, तो निश्चित ही तौर पर तू जिस प्रकार से चली गई वैसा कोई नहीं गया। ऐसा निरंतर रूप से प्रश्न का उत्तर पाने के बावजूद यहाँ पर गदल क्या कहते कि तेरी माया ममता उस समय में कहाँ चली गई थी, तूने ब्याह क्यों नहीं किया, मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था, तूने मुझे पेट के लिए पराई ढोड़ी लंगवाई। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण वाक्य, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, समझ में आ रहा है बेटा? अभी हाँ मैम। निशिगंधा क्लियर हो रहा है क्या? हाँ मैम। हाँ अभी देखिएगा, अभी है ना कोई
ये नहीं चलेगा कि मैडम हम थे नहीं, आपको जितने भी बच्चे हैं उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़िए, अदरवाइज रिपीटेशन रिपीटेशन करते हुए ना हम लोगों का क्या होगा कि सिलेबस आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो बाबू हमारा ये काम करते थे अपलोडिंग वाला, तो अपलोडिंग वाला भी काम नहीं हो पा रहा है, जिस कारण आपको अपग्रेड नॉलेज जो है वीडियो का गूगल क्लासरूम पर नहीं दिया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो जो बच्चे लेक्चर्स के लिए जुड़ते हैं उनका फायदा है, जो बच्चे जुड़ते नहीं है उनको ऐसा लगता होगा कि गूगल क्लासरूम पर लेक्चर्स मिल जाते हैं मैडम के तो हम उसी पर देख ले, तो इसमें नुकसान आप लोगों का है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए शादी की बात कर रहे हैं, माया ममता की बात कर रहे हैं, तो माया ममता को लेकर गदल अपने देवर के साथ बात करती है कि तूने उस समय में मुझसे शादी कर ली होती तो क्या बिगड़ा होता। अब वो कहता है कि भैया तेरा मरा का, उसका कारज बेटों ने किया, जब सब हो गया ये सारा कार्य होने के बाद तो तू मुझके मेरे साथ घर बसा सकता था, तूने मुझे पेट के लिए पराई डोरी लंगवाई, मतलब तूने अपने पेट के लिए ये सारा कार्य करवा लिया, चूल्हा में तब फूकू जब मेरा कोई अपना हो। देखिए कितनी यथार्थ भरी बात को गदल यहाँ पर पेश करती है कि मैं तो चूल्हा तभी फूकू ना जब मेरा कोई अपना हो, ऐसा कोई बांधी नहीं हूं कि मेरी कूनी बजे औरों के बिचे चनके, मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। मतलब देखिएगा उसके अपने पेट से निकले हुए जो बच्चे हैं जो बहुएं हैं वो ये तक नहीं जानती है, मतलब माया ममता देखिएगा कि वो कहती है कि मेरा अपना कोई होता है तभी तो मैं अपने लिए अपने लोगों के लिए कुछ कार्य करूं। समझा देवर, तूने तो नहीं कहा तब, अब कुंबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा, तब न सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है गदल, डोड़ी ने भर्राए स्वर में कहा मैं डरता था। भला क्यों? तो अब देखिए डर तो होता है बेटा, समाज का डर होता है, परिवार का डर होता है कि इतने बड़े बच्चे और बहुएं होने के बाद यदि ये दोनों शादी कर रहे तो निश्चित ही तौर पर संदेहात्मक प्रश्न चिन्ह और अपने परिवार के होते हैं। मनुष्य औरों की नजर से यदि चला गया, औरों की नजर से यदि वह घट गया तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अब अपने लोगों के खास तौर पर अपने भाई बहन बच्चे इनकी नजर से नहीं उतरना चाहता, और ऐसा ही तो हुआ। डोड़ी उन सामाजिक मान मर्यादाओं में अभी भी रहना चाहता है, डोड़ी उन सामाजिक मर्यादाओं के साथ साथ अपने परिवार के लोगों के साथ डटकर मुकाबला करना चाहता है, उनके साथ आंख मिलाकर बात करना चाहता, और इसी कारण वह उनसे डर कर ही क्यों ना हुआ वह उनके साथ शादी नहीं कर पाया। यहां तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। आपकी आज्ञा है आगे बढ़ने की? आपकी आज्ञा है आगे बढ़ने की? आगे बढ़े हम लोग? यस मैम। ओके हाँ मैम। गदल मैं बुड्ढा हूँ, डरता था जग हसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले ही नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल भैया की भी बदनामी होती ना। अब देखिए ना कितने प्यार भरे स्वरों से डोड़ी उनके साथ पेश आता है। क्या कहता है डोड़ी कि गदल मैं तो बुड्ढा हूँ और डरता था कि पूरा जग हसेगा, बेटे क्या सोचेंगे, और बेटों की नजर से हमने अभी कहा कि अपनों की नजर से नहीं उतर सकते हैं और नहीं उतरना चाहता कोई भी व्यक्ति, और ऐसा ही हुआ कि बेटे क्या सोचेंगे कि शायद चाचा का अम्मा से पहले ही नाता था, पिता की मृत्यु से पहले ही हम दोनों का रिश्ता था, ये बच्चे सोचेंगे, और जिस कारण मैंने शादी नहीं की, मैंने दूसरा ब्याह नहीं किया। और गदल जब मैं शादी कर लेता तो अब भैया की भी बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया, भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे, तू नहीं था कारज में उनके क्या, मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमाकर होठों से पानी छुलाया था अपने, और तुम सब कितने बुलाए, तू भैया दो बेटे, यही भैया है यही बेटे हैं, 25 आदमी बुलाए कुल, क्यों आखिर कह दिया, लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज्यादा होती पकड़ ले जाएगी डरपोक कही के, मैंने रहती ऐसो के यहाँ। और देखिए हठात जोड़ी का स्वर बदला, कहा मेरे रहते तू पराई मरद के यहाँ जा बैठेगी,
अब देखिए ना, यहाँ पर वो हर सच्चाई से वाकिफ करवाना चाहता है, कितनी गुजारिश करता है, प्यार भरी गुजारिश, प्यार भरी लालच उसे देता है कि तू यहाँ से मत जा। लेकिन गदल है, अब देखिएगा कि उस जमाने की बात करते हैं दोस्तों, कि जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, स्वतंत्रता पूर्व की बात है कि उस जमाने में हम लोगों को, ज्यादा लोगों को नहीं बुला पाते, केवल कितने लोग बुला पाते थे, 25, और 25 से ज्यादा लोगों को यदि शादी में बुलाया गया, किसी की मृत्यु की शैया पर चढ़ाने के लिए बुलाया गया, खाना खाने के लिए बुलाया गया, तो ऐसे बच्चों, ऐसे लोगों को 25 से ज्यादा यदि लोग होते तो उनको पकड़ कर ले जाते थे। आज भी तो जमाना वैसा ही है, आज तो COVID-19 की वजह से हम सभी लोगों को 100 की शायद क्वांटिटी के आधार पर जो भी मंदिर है या जो शादी का त्योहार है उसमें केवल 100 लोगों की वहाँ पर बनाई गई है, सीमाएं बनाई गई है कि 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए, 100 से ऊपर यदि होते हैं तो पकड़ कर लेकर जाएंगे। मतलब देखिएगा कि वर्तमान जगत की प्रासंगिकता के साथ मेल खाने वाली हमारी ये कहानी किस रूप में दिखाई देती है। तो डोडी का स्वर बदल जाता है, डोडी यह चाहता है कि तू पराये मत के यहाँ पर मत जा, तो मेरे रहते हुए तू पराये मत के यहाँ जा बैठेगी, हाँ अब के तो कह, वो उठकर बैठ बढ़ा, 100 बार कहूँ लाला, गदल पड़ी पड़ी बोली, डोडी बढ़ा, बढ़, गदल ने फुफकारा, मतलब वो नहीं जाना, जाने देना चाहता गदल को दूसरे किसी पराये मर्द के घर पर, वो जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो कहता है मैं तो हूं ना, तेरी सारी आवश्यकताओं को मैं पूरा कर सकता हूं, तू क्यों जा रही है यहाँ वहां। डोडी रुक गया, गदल देखती रही, डोडी जाकर बैठ गया, गदल देखते और फिर हंसी, कहा तू मुझे करेगा, तुझ में हिम्मत का है देवर, मेरा नया मर्द है ना, मर्द है, इतनी सुन तो ले भला, मुझे लगता है तेरा भैया ही फिर मुझे मिल गया है, तू वो रुकी, मर्द है, अरे कोई बैर से गिग्याता है, बढ़कर जो तुझे मारता तो मैं समझती तू अपना पा मानता है, मैं इस घर में रहूंगी। डोडी देखता ही रह गया, रात गहरी हो गई, गदल ने लहंगे की पर्स फैलाकर तन ढक लिया, डोडी ऊंघने लगा। यहां तक क्लियर हुआ, यहाँ तक हमारी कहानी का जो पार्ट था सेकंड वाला वो समाप्त हो गया। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? यस मैम। आगे बढ़े? हाँ मैम। यस मैम। ओके। ओसारे में दुल्लो ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही, अब चिढ़ाने वाले लोग कैसे चिढ़ाते देखिएगा, कि जब वह चली जाती है ना, मतलब अपने परिवार को छोड़कर चली जाती है तो नाक कट जाती है, अपने ही लोग किस प्रकार से बोलते हैं देखिएगा, अब कितना मतलब दर्दनाक दस्तावेज है इस कहानी के द्वारा, कि मतलब एक औरत को यदि पूछा जाए कि तेरी रात कहाँ रही, हम सब यहाँ पर औरतें ही औरतें, एक नारियाँ ही नारियाँ, हम यू के फीमेल से जुड़ी चुकी हैं हमारी लेक्चर्स में, तो ये कितना घिनौना शब्द है कि तेरी रात कहाँ रहे, और ऐसा शब्द यदि कोई नारी ही नारी के प्रति बोलती है तो कितना दर्दनाक लगता है। सूखा डब डूब गया था, आकाश में पोप फट रही थी, बैल अब उठकर खड़े हो गए थे, हवा में एक ठंडक थी, गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जिठानी मेरी हुक्म नहीं चला मुझ पर, तेरी जैसी बेटियां है मेरी, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं। अब नारी नारी की समस्या है, आपको पता ही है कि झगड़ा कैसे करते, और खास तौर पर गांव की झगड़ालू औरतें, आपने देखा है क्या कभी गांव की औरतों का झगड़ा, क्या आप कैसे झगड़ा करती है, मतलब यदि हम लोग बस में भी चलते हैं ना, तो बस में हम लोग इन लोगों के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, वास्तविकता है, रियालिटी है यार, कि नथिंग मतलब नहीं हो सकता। गांव के जो लोग होते हैं ना, वो बोलने में माहिर होते, भले ही हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा हो, कितनी भी हो क्यों गई नहीं हो, लेकिन इन गांव की गवारू औरत जो होते हैं ना, इनकी आवाज में बहुत एक, हम कहें कि एक जोश होता है, गालियां भी देती है, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि कितनी बेकार किस्म की गालियां देती है वो, देख तो गए।
कि तेरी रात कहाँ गई। और जब इस प्रकार का स्टेटमेंट गदल के प्रति होता है तो गदल क्या कहती, गदल मतलब कम थोड़ी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। ये दिखाने वाली हमारी गदल उन सामाजिक मान मर्यादाओं को पूरी तरीके से लांघने वाली, उन सामाजिक मान मर्यादाओं को पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट करने वाली हमारी गदल क्या जवाब देते देखिएगा। सो जेठानी मेरी हुक्म नहीं चला मुझ पर, तेरी जैसी बेटिया है मेरी, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी पैरों की जूती नहीं। इस प्रकार का जो उत्तर है वह दुल्लो को दे देती है। दुल्लो सक पका गई, मौनी उठाई था, बन्ना हुआ बोला, कहा गई थी गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज नहीं बदली, कहा वही ले गई मुझे घेर कर, मौका पाया निकल आई। हुज दिस मौनी, कौन है ये मौनी? अब पता चल गया होगा आपको कि एक डोडी नाम का कैरेक्टर है जो उसके साथ प्यार करता है। अब ये मौनी है जिसके साथ गदल प्यार करती है। मौनी वही चमार है बेटा, ध्यान में रखिएगा कैरेक्टर्स को। बहुत लंबी कहानी है ये, मतलब देखिए कि 3 तासिकाओं तक हम लोग लेकर जाएंगे ना तभी ये कहानी शायद खत्म ना हो, इतनी बड़ी कहानी लेकिन वास्तविकता भरी। और इसलिए आपको पुनः एक बार गुजारिश करते हैं कि जब भी हमारी तासिका कंप्लीट होगी उस तासिका को कंप्लीट होते हुए आप लोग भी लिख लीजिएगा पेज नंबर, किस पेज नंबर पर, पेज नंबर दिए हैं ना इसके नीचे, आप हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। इस पर पेज नंबर नहीं दिए है मेरे पास, लेकिन आप लोग उस इंसिडेंट को उस कहानी को आप लोग याद करके लिख लीजिएगा कि हम लोग कहाँ तक आए थे। हाँ तो कहाँ गई थी गदल ने, मतलब देखिएगा कि गदल किस प्रकार से वह उत्तर देती है कि मैं तेरे पैरों की जूती नहीं हूँ। और जब इस प्रकार का उत्तर पाता है तो मौनी भी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मौनी बड़ा, कहा जाता है, गदल ने पूछा। खेतार, पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अदे स्त्री के नक्शे देकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला, मौनी ने पूछा। वो उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पसीना पीसूंगी मैं, गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग करके खाएंगे, उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही यह कहती रही। कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकते, पर भीतर तो अलग अलग भले। अब देखिए वो क्या कहती है कि तेरे बेटे है तेरे बहू है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। तेरे पास जो है कमाई शामिल करो, मतलब तेरी जो कमाई है उसका भले बंटवारा करो, लेकिन हम दोनों अलग अलग रहेंगे, अलग अलग खाएंगे। मतलब 2 जने हैं हम और तुम, मौनी और गदल, हम दोनों जन हैं तो दोनों हम अपना अपना खाएंगे, अपना अपना बनाएंगे। अब मौनी क्षण भर के लिए सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर बोली, बोल अब चुप क्यों हो गए देवर, बोलता क्यों नहीं, देवरानी लाया है कि सास, तेरी बोलती क्यों नहीं करती, ऐसे ना समझो तो मुझे, रोटी तवे पर पलटते मुझे आँच नहीं लगती जो मैं इसकी खरी कोटी सुन लूंगी, समझा। तेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मट्टी खा के जनाता। हाँ अब देखिए दोनों औरतों की खींच में बेचारा हमारा जो मौनी है किसे पीसता चला जा रहा है। अरे तो सौत, गदल ने पुकारा। अब स्वाभाविक सी बात है, उसके बेटे है बहू है, उसकी अपनी एक पत्नी है, अब उसकी अपनी पत्नी को छोड़ दे और गदल को अपना ले, कैसे रखेल के तौर पर अपना ले, कैसे वो उसे अपनाए, किस तरीके से अपनाए, और अपनाए भी ले तो उसकी जो कमाई है उसमें बंटवारा कर दे। लेकिन क्या आपको लगता है कि गदल को भी वो अपना पाएगा? अरे तो सौत, गदल ने पुकारा, मट्टी न खा के आई सारे कुनबे को जबाड़ाएगी डायन, मेरी नहीं तो तेरी गुड़ की बेली है, जो न खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मौनी दोनों के उसके आंसर्स में, उन प्रश्नों में कोई उत्तर नहीं दे पाया, बाहर चला गया। दोपहर हो गई, दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है? नारायण, Who's this person? नारायण, कौन है यह? गदल का बेटा है। गदल का बेटा। Yes. कोई है? दुल्लो ने घूंघट काट लिया, पूछा कौन है? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, मैं गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में हंसी, पूछा छोटे हो कि बड़े? छोटा, कहता है उधर से आवाज आती, छोटा।
और कितने हैं, कितने भी हो तुझे क्या, गदल ने निकल कर कहा। मतलब वो गदल तब तक बाहर आई और गदल को जब जिससे वो सवाल कर रही है ना दुल्लो, उसके साथ बात कर रही है, बेटे के साथ, नारायण के साथ बात कर रही है कि तू कितने नंबर का है, छोटा है कि बड़ा। वो कहता है छोटा हूं। और कितने हैं, कितने भी हो तुझे क्या, गदल ने निकाल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भाग। अब जैसे ही गदल बाहर आई वैसे दुल्लो भीतर भाग। आने दे आज उसे, तुझे बताऊंगी जिठाने, गदल ने सीढ़ी लाकर कहा। अम्मा कहती है, नारायण ने कहा, ये तेरी जेठानी है, क्यों आए तू यहाँ बता। गदल झल्लाए, दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वही रहे, गदल ने कहा। मतलब देखिएगा कि अपना बेटा भी यहाँ पर अपराया हो गया। उसी समय में लोटा डोर लिया मौनी लोटा, मतलब उसी समय में खेत में गया हुआ जो हमारा मौनी था वहां पर आ गया। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसली उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा। अब मरद का सब माल दबाकर बोए के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया। नारायण का मुंह से आ पड़ गया, वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन शंकित सभी तर आया। अब देखिए कि गदल ने अपने हाथ का जो कड़ा है ना, वो कड़ा पहनती थी और हंसली जो कहते हैं उसे उतार कर अपने बेटे नारायण को भेज दिया, क्योंकि कोई दंड आया होगा उसे चुकता करना है। और वह बेटे ने भी उसके गहने उठाए और वहां से चला गया। मौनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी ने गहने दे दिए। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा, चार जगह बैठेगी तो बेटों के खेत के डोर पर डंडा धुआं तक न लग जाएंगे, पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा, समझा देती हूँ। तुम भोले भाले ठहरे, तिरिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है ये भी, अब कहेगी फिर बनवाओ मुझे। अब देखिए गदल के विरोध में दुल्लो किस प्रकार का कार्य कर रही है। मतलब ये तो एक लॉजिक है यार, कि जिस घर में दो पत्नियां होती है, मतलब देवरानी जेठानी की बात यदि करते हैं तो उन दोनों की नहीं बनती, यहाँ तो सौतन सौतन के बच्चों को कैसे सह पाए। और खास तौर पर जिसके पति के अपने गहने थे तो उसने अपने पति के गहने दे दिए। अब देखिए दुल्लो उसे समझा देती है कि ये चार घर पर जाएगी, चार जगह पर बैठेगी तो बेटों की जो खेत है वह डोर पर डंडा दूला तक न लग जाएगी, पक्का चबूतरा मतलब पक्का मकान तैयार कर देगी, यदि वह इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह चली गई। और तुम तो बोले वाले हैं, तुमको मैं समझा देती हूँ कि ऐसी लड़की, ऐसी जो औरतें होती है इनका चरित्र तुम नहीं जानते हो, यह भी धंधा है। और जब इस प्रकार वो कार्य करेगी और वो क्या करेगी, अपने जो देव अपने जो जेवर है वो इसी प्रकार से जेवरों को देती जाएगी और क्या कहेगी, फिर बनवा मुझे। और जब दुल्लो मौनी के साथ इस प्रकार का वक्तव्य देती है, समझाती है, तो गदल हंसती है, कहा वाह जिठानी वाह, पुराने मरद का मोह नए मरद से तेरे घर की बैया चुकवाती होगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती समझी, बांदी बनकर नहीं, चाकरी करूंगी तो अपने मरद की, नहीं तो बिंदना मेरे ठेंगे पर, समझी। तो बीच में बोलने वाली कौन, मतलब देखिए कि अब दोनों औरतों में फिर से एक बार झगड़ा हो गया। वह उसे समझाती है कि ये तो पुराने मर्द का मोल था, पुराने मर्द ने मुझे पहनाया था, ये तो तेरे घर की बैया चुकवाती होंगी, मतलब तेरे घर में होता होगा ऐसा, मेरे घर में नहीं होता, मैं तो मालकिन बनकर रहूंगी, मैं किसी की नौकरानी बनकर, बांदी बनकर नहीं रहना चाहूंगी, चाकरी करूंगी, मैं चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, मतलब जिसका गले का मंगलसूत्र होगा, जो कपाल में लगा हुआ सिंदूर होगा तो उसी सिंदूर का भार में सहूंगी, आप लोगों के लिए मैं कार्य करूंगी, समझी। वरना बिंदा मतलब बिंदा रहना मेरे ठेंगे पर, ऐसे ठेंगे पर ही बड़े रहना। दुल्लो ने रोज से देखा और पाव पटकते हुए चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बड़बड़ कर बातें मत हाक, समझ ले घर में बहू बनकर रहे। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुरा कर कहा, तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू, ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बिरादरी के नेम के बाहर हो,
जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो हजार बार रोक। मतलब देखिए वो क्या कहना चाहती कि मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की जिसके लिए रोकना हो पाए, पर सोत की ठसक नहीं सहूंगी कि मुझे क्या कार्य करना है, मुझे किस प्रकार का कार्य करना है। मैंने बिरादरी के बाहर के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है, और यदि मैंने उस प्रकार का कार्य किया तो मुझे तूने हजार बार रोके तो मैं रुक जाऊं, लेकिन मैं सोत की ठसक को और सोत की बातों को बिल्कुल नहीं सहूंगी। बताओ तुझे, वो सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और अपने काम में लग गई। दोनों गदल और मोनी फिर से एक बार एकत्रित हो गए। यहाँ पर हमारा तीसरा अंक इस कहानी का वो भी समाप्त हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। आपको क्लियर हो गया? अब ये जो चित्रण हम लोग कर रहे थे ये लोहार के घर का, अब फिर से एक बार हम डोडी के पास चलते हैं। ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते उब गया, उसमें चिलम लिपट दी और फिर बैठा रहा। मतलब उसके जो चिलम थी उसमें उससे उलट दिया, मतलब उसे पीता बेकार लग रहा था, उब गया था। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला और कहा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हे, डोडी चौंक उठा। क्या है, मुझसे कहा कुछ? तुमसे न कहूंगा तो कहूंगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिमन कडेरा कहता था कि तुमने दिन भर मौन मौन जी बाबा की धुनी के पास बिताए, सच है? हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसा ही जी किया था, बस ऐसा ही जी किया था बेटा। और कस्बे से घी कटो क्या कराया कि बनिया का आदमी आया था? मैंने कहा नहीं है। वह बोला लेके जाऊंगा, झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बौरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आँच बिनकर धरी और फूक लगाता हुआ आया, कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते हैं, नारायण को भेजा था, कहा। डोडी भोग चौका, उसी कुलच्छिनी कुलबोरनी के पास। देखिए, अपने बेटे अपनी माँ के साथ क्या वार्तालाप कर रहे हैं। कुलच्छिनी कुलबोरनी के पास, मतलब जो कुल के लक्षणों को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर रही है, ऐसी कुलच्छिनी कुलबोरनी के पास, अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है, अभी तुम उस पर गुस्सा नहीं आता, उसे माँ कहूंगा मैं। पर बेटा तू न कह, जब तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बैयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं, जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारता है। कोई नया नियम थोड़ी है। देखिए ना कितनी बड़ी वास्तविकता का दर्शन यहाँ पर हो गया कि जब गले का मंगलसूत्र होता है, भाल का सिंदूर होता है, तो वो पत्नी उस पति की पत्नी है, उस नाम से समाज में जानी जाती है, पहचानी जाती है। लेकिन जब पति की मृत्यु हो जाती है तो अपने बेटे की माँ कहकर उसे पुकारा जाता है। माँ कहना नहीं चाहता निहाल। निहाल कहता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब वो तुम माँ कहते हो? तो डोडी उसे समझाने का प्रयास करता है कि तूने कितनी बार भी उसे मना कर दिया कि तेरी माँ नहीं है तो समाज तो तेरी माँ ही समझेगा। निहाल बोल रहा है, ठीक है काका, ठीक है, पर तुमने अभी तक ये नहीं पूछा कि उसे वहां पर क्यों भेजा था। हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा, यह तो तूने बता